नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको आगे से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो कुछ डांसेस हैं रीजनल और किस राज्य में परफॉर्म किए जाते हैं उसकी सूची लिखी है। तो इसमें चारबा नृत्य जो है राजस्थान में, ये वाला गलत है। गलत क्यों है कि ये राजस्थान में नहीं, हिमाचल प्रदेश में इसको करते हैं। जो है दशहरा का जो टाइम पीरियड होता है फेस्टिवल का, उसके दौरान किया जाता है इसको। बाकी के भी गलत ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए। इसमें लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो इसमें शुरू के तीन ठीक हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। गलत ये झूमर और या फिर इसको झमुहर डांस बोलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ झारखंड और उड़ीसा के रीजन में करते हैं इसको। आपका जो है ये ट्राइबल जो पीपल होते हैं उनके द्वारा हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब एक तरीके से मनाया जाता है इसको करते हुए, ठीक। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है, ठीक। तो कुछ फसल हैं और उसमें कौन कौन से रोग होते हैं वो लिखे हुए हैं। तो धान का एक जो रोग है वायरल टुंड्रो बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल ठीक है। गेहूं में पीला किट, इसके अलावा भूरा किट, लाल किट है ना, काला किट, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये होते हैं। और अरहर में उकठा रोग होता है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ठीक है। जाट जटिन लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो बिहार में जो मिथिलांचल रीजन है यहाँ का एक काफी फेमस लोक नृत्य है, बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। ODF प्लस यानी कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री वाली एक कैटेगरी है ODF प्लस, तो इसके संदर्भ में गांवों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो हमारा जो ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ना, उसके अंतर्गत जो अभी रिसेंट डेटा आए थे तो उसमें ODF प्लस में टॉप पे था तेलंगाना, ठीक। अब उसी ODF प्लस में देखिए जो शीर्ष के चार राज्य हैं उसमें से कौन सा एक नहीं है इसमें से। तो तेलंगाना पहले बता हमने देख लिया था, फिर आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड है ना, गुजरात नहीं था, पांचवें पे जो है मध्य प्रदेश था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो वर्ल्ड रैंकिंग 2021 की आई थी उसमें शीर्ष देश कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो एक समूह है उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, और टॉप पे था नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे स्वीडन, ये चारों का क्रम जो है दिया हुआ ही है। इसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 2021 में ये थी 46। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, ठीक। तो ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है वो रिलीज करते हैं। इसमें देखें अगर हम इंडिया की रैंकिंग पूछ रहे हैं तो इंडिया की रैंकिंग थी 43, ठीक। टॉप कंट्री की बात करें तो US था फर्स्ट पे, सेकंड पे UK, फिर थर्ड पे था जर्मनी। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सबसे अधिक करोड़पति वाला शहर कौन सा है, ठीक। तो हुरून जो एक समूह है इनके द्वारा लिस्ट कई सारी आती हैं। तो इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो भारत में पाए जाने वाले करोड़पति व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है वो है मुंबई में सबसे ज़्यादा, फिर है आपका दिल्ली, फिर कोलकाता है ना, ये टॉप की तीन जो शहर हैं ये दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है भारत में, ठीक है। मेज प्रोडक्शन की हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 का भी आया था तो उसमें मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 के टर्म्स में जो बताया गया था डेटा उसके अनुसार सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था कर्नाटक, सेकेंड पे था मध्य प्रदेश और तीसरे पे था महाराष्ट्र, ठीक, ये क्रम था। तो सबसे लार्जेस्ट है कर्नाटक।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं का नहीं है? ठीक है, तो गेहूं की फसल के बारे में अभी हमने ऊपर भी देखा था कि ये रस्ट जो भी होते हैं, ब्राउन रस्ट, ब्लैक, येलो, ये सब गेहूं में होते हैं। जो स्मट है यानी कि कंड बोलते हैं इसको, ये बाजरा में होता है। ठीक है, कंड, इसके अलावा अरगट है ना, ये सब जो है बाजरा की बीमारियां हैं। देखिए, पोटैटो यानी कि आलू जो होती है, आलू की सब्जी, तो उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे ये देखना है। तो चार स्टेटमेंट है, इनको आप देख लीजिए, बाकी हो हम गलत वाला आपको बताते हैं। लिखा है आलू में 33% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप जानते हैं जैसे आलू में स्टार्च जो है इसको आप ये कहते हैं। ठीक, तो इसकी मात्रा 33% नहीं, लगभग ये जो है 22.5% होती है। ठीक, तो इसको गलत हम चुनेंगे, बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, देख लीजिए इनको। टमाटर यानी टोमेटो से संबंधित अब कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, टमाटर को भारत में ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था, ये वाला गलत है। देखिए, आलू, टमाटर है ना, पपीता, पोटैटो, ये पपाया, इसके अलावा काजू, बादाम, अनानास, ये सब जो चीज़ें हैं पुर्तगीज़ी सब इंट्रोड्यूस करवाए थे भारत में। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के सब ठीक हैं, इनको देख लें आप। बैगन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो बैगन की सब्जी आप सबने खाई होगी, तो देखते हैं इसमें पूसा संबंध बैगन की प्रमुख किस्म है, ये वाला गलत है। पूसा संबंध या फिर एक और होती है पूसा मुक्ता, ये सब जो है आपका ये पत्ता गोभी जो होती है उसकी वैरायटीज हैं। बाकी के दो ऑप्शंस ठीक हैं, इनको देख लें आप। इसमें देखिए, सब्जियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चार स्टेटमेंट हम सारे देख लेते हैं पहले। तो अगर गलत वाला देखना है तो ये है गलत, नासिक सफ़ेद, हाँ ये वाला, लहसुन की प्रमुख किस्म नहीं है, ये प्याज की है। ठीक, इसको हम चूज़ करेंगे, नासिक सफ़ेद। फिर जो है आपका एक पूसा लाल, अरका निकेतन, अरका प्रगति, ये सब जो है इसकी होती हैं। बाकी विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए एक बार आप। देखिए, फिर कुछ यहाँ पे लोक नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित हैं या किस क्षेत्र में वो लिखा हुआ है। तो तेरा ताली नृत्य जो है गुजरात लिखा है, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए है कि ये गुजरात में ही राजस्थान के रीजन में करते हैं, वहाँ पे एक कमार जनजाति है राजस्थान में, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में गलत कथन को हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए, इकोसिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो ऊष्मा गतिक के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है कि थर्मोडायनेमिक्स आपने अगर पढ़ा होगा तो सेकेंड प्रिंसिपल उसको, मतलब उसमें ये बेसिकली अगर हम छोटे तौर पर देखें तो जो हीट और एनर्जी है उनके इंटरकन्वर्जन जो है एक तरीके से समझिए उससे संबंधित होते हैं ये सेकेंड लॉ। तो अब एनर्जी, हीट और एनर्जी का स्पेशली इंटरकन्वर्जन जो है हमारे इकोसिस्टम में काफी आवश्यक है ताकि उनकी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसके लिए सबसे मेजर कंपोनेंट होते हैं ये। ठीक है, तो बिना इसके हमारा जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो नहीं हो पाएगी किसी इकोसिस्टम में, तो इसलिए ये इससे अवमुक्त नहीं होते हैं हमारे इकोसिस्टम। यहां पे अगर स्टेटमेंट में ये लिखा होता पहले में तो ये सही हो जाता, तो अवमुक्त है ये गलत है, यानी कि ये फॉलो करते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा है कि इकोसिस्टम को निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। तो इसमें से गलत को चुनना है तो है ना, ऑप्शन वन यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर लिखा है, इसको चूज करेंगे। खाद्य श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे, ये देखना है। ठीक है, तो कोई भी आप देखिए फूड चेन का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें गलत अगर हम देखें तो डी ऑप्शन देखिए लिखा है ना कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ता है, तो ये तो सरासर गलत बात है ना, कि जो सबसे लोवेस्ट हमारा ट्रॉफिक लेवल है तो उससे ऊपर हम जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा था कि जैसे हमने वो 10% वाला रूल देखा था ना, लिंडमैन वाला, तो क्या होता है 90% तो लॉस हो जाता है, तो कम होना चाहिए ना, उच्च पोषी स्तर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो ऊर्जा का स्तर है वो कम होगा। बाकी के विकल्प ठीक हैं, इनको पढ़ के एक बार देख लीजिए। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में हमने पहले भी देखा था, जैसे सबसे लोवेस्ट पे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, जो घास और ये सब है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर दूसरे नंबर पर जो हम देखते हैं तो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, तो ये ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो गया, दूसरा हो गया है ना, पहला ये, फिर तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर क्या आते हैं हमारा है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर जो टर्शरी कंज्यूमर है सबसे ऊपर यानी फोर्थ हमारे ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, जो टॉप कार्निवोर इनको कहा जाता है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होता है, एग्जांपल में आ जाएगा टॉप कार्निवोर में जैसे लायन है ना, ह्यूमन, ये सब जो है फोर्थ, मतलब ये टर्शरी कंज्यूमर यानी कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल किसी फूड चेन में। तो सी ऑप्शन को चुन लीजिए।
रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए पुडुचेरी का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है इसमें कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ठीक, तो यूजली जैसे दशहरा मनाते हैं ना अब, तो कुछ यही प्रतीक दिखाता है दशहरे का पर्व। तो पुडुचेरी में जो यहाँ पे एक इस अवसर पे नृत्य किया जाता है उसको गरडी बोलते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। तो तेरा ताली के बारे में अभी आपको बताया था, ये झमुहर नृत्य जो है ये फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, ये भी ठीक है। इसमें तीसरा जो है ये गलत होगा। कोई कोट्टी कली जो है ये आंध्र प्रदेश का मंदिर नृत्य लिखा है, ये गलत है क्योंकि ये किया जाता है केरल में, है ना। जैसे यहाँ पे ओणम का जो फेस्टिवल मनाते हैं यहाँ, तो उसी समय अच्छी फसल के एक तरीके से आने की खुशी में यहाँ पे ये डांस किया जाता है। ठीक, केंद्रीय MSME यानी कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? ठीक, तो यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट के बिलोंगिंग उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, ध्यान रखेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ करके कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है ये बताना है। तो अभी ब्लूमबर्ग इंडेक्स में जो डेटा आया था, अब सबसे टॉप हो गए हैं ये गौतम अडानी। अब इसमें फिर से देखिए कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो माउंटेनियस पासिस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें उस क्रम में देखिए जोजिला पास हिमाचल प्रदेश लिखा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है जास्कर रेंज जो हिमालय की है उसमें स्थित है, और अभी देखेंगे तो ये लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी बन गया है उसके हिस्से में आएगा। ठीक, फिर से देखिए वही माउंटेनियस पासिस और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दिहांग दर्रा नागालैंड में लिखा, ये गलत है। दिहांग पास, दिफू, उसके अलावा सेला, है ना, बुमला, ये सब जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाकी के तीन ठीक हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, तो यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स के बारे में लिखा है, जो फेमस ग्लेशियर्स हैं उनकी अवस्थिति कहाँ पे है। तो शुरू के तीन तो ठीक हैं, देखिए दमीर ग्लेशियर लिखा है हिमाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। आपका ये जो नंगा पर्वत वाला रीजन है ये वहाँ पे स्थित है। ठीक, POK वाला जो रीजन हो जाएगा। अब फिर से देखिए भाई ग्लेशियर्स की कुछ और लिस्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये शफत ग्लेशियर जो है यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयन रेंज लिखा, ये गलत हो जाएगा। ये ईस्टर्न हिमालयन रेंज का पार्ट होगा, और इससे देखेंगे तो जो वाटर एक तरीके से निकल रहा है ये आपका ये सुरु नदी जो है ना उसमें जाता है, तो उससे संबंधित भी है ये, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कौन सा दर्रा काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो हिमालयन रेंज जो काराकोरम है उसमें देखेंगे तो बालटोरो, बियाफो, चोगोलुंगमा, इसके अलावा जैसे चांद कुमदान, ये सब जो है इसमें स्थित हैं। आपका पिंडारी जो ये है यहाँ ये उत्तराखंड में स्थित है ना, आपका कुमाऊ जो रीजन है, और देखेंगे तो यहीं से ये जो पिंडारी रिवर है ना ये ओरिजिन होती है, तो 1, 2, 3 वाला चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से अंतरजात बलों से उत्पन्न पठार कौन सा है? ठीक है, तो प्लेट्यूज के बारे में जैसे देखते हैं तो जैसे यहाँ एंडोजेनस फोर्सेस, एक्सोजेनस फोर्सेस, इसके अलावा वोल्केनो से उत्पन्न हुए प्लेट्यूज और क्लाइमेट के आधार पर बने हुए प्लेट्यूज है ना, ये टाइप्स होते हैं। तो इसमें अगर हम अंतरजात बलों वाला देखें तो ये जो अंतरा पर्वतीय पठार है ना, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जो कोस्टल प्लेट्यूज होते हैं या फिर जो ये गुंबद आकार के होते हैं, डोम शेप है ना, या फिर ये महाद्वीपीय पठार के जो एग्जांपल्स हैं, ये सब अंतरजात बलों के एग्जांपल्स हैं। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के जो तीन लिखे हुए हैं ये बहिर्जात है ना बलों के द्वारा उत्पन्न हुए पठार हैं। अब इसमें देख लीजिए वही बहिर्जात बलों से उत्पन्न पठार कौन सा है पूछा गया एक्सोजेनस फोर्सेस से। तो ऊपर तीन तो हमने देख ही लिए थे, एक और ये होता है ये सोल्स्टाइस वाला जो है ना उस्यंत पठार।
सरल आवर्त गति करने वाला पिंड गति के अंत बिंदुओं यानी कि जिसको चरम स्थित कह सकते हैं उस पर पहुंचता है तो क्या होता है? देखिए ये संदर्भित है आपका जो फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल एक पेंडुलम जो होता है ठीक है, तो उसके मोशन से जो संदर्भित मामला है उसी को यहाँ पे सरल आवर्त गति के संबंध में हम समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे पेंडुलम आपने ये मान लीजिए रेस्ट की पोजिशन पर है, आप उसको ऐसे यहाँ तक ले आए, अब यहाँ से आपने छोड़ दिया तो यहाँ तक गया ठीक, फिर ऐसे वापस आएगा, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं एंड वाले है ना, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन जब होती है तो क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिल रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि वेलोसिटी इज जीरो है ना, वेग शून्य होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है, तो ये भी ठीक है, और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो भी मैक्सिमम होता है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं यहाँ पे इन पोजीशंस पे, तो सारे ही सही हो जाएंगे। अगर डिटेल में इसको चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसको पीएम किसान योजना के नाम से भी आप जानते हैं, तो किस तिथि को शुरू की गई थी ये बताना है। तो इसमें आपने इसको जो है पढ़ा होगा जिसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष है ना, 4 महीनों के अंतराल पे 3 किश्तों में मिलता है ठीक, किसानों को एक तरीके का वित्त पोषण है। तो इसको शुरू किया गया था, डेट है ये 1 दिसंबर 2018, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। धरती पर पलायन वेग का मान कितना होता है ये बताना है ठीक है। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ पे काम कर रही है ठीक है, तो उससे किसी पिंड को बाहर निकलने के लिए जो स्पीड चाहिए एस्केप वेलोसिटी के रूप में उसको यहाँ पे बताया जाता है। तो आपके किसी पिंड का मान अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा है ठीक है, तो वो आपका जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको लीव कर जाएगा, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा ठीक। तो इसमें से हाँ ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए पेंडुलम जो होता है उसके संदर्भ में अभी हमने ऊपर भी देखा था कि उसका जो आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड उस किस बात पे निर्भर नहीं करता है ठीक है। तो उसका जो ये टाइम पीरियड आप देखते हैं जितने भी उसके काउंट्स हो रहे हैं, तो जो हमारा पेंडुलम का मास है द्रव्यमान है ना उस पे निर्भर नहीं करता है, उसका मान जो है उससे ये संदर्भित नहीं है। बाकी दो ऑप्शन ऊपर के ठीक हैं। इसमें से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है ठीक है, तो वही ग्रेविटेशनल लॉ के संदर्भ में अगर देखेंगे एंशियंट इंडिया में तो गुप्त काल के दौरान एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन ए है ना, इन्होंने बताया था कि जो है जो भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। बाद में चल करके हम देखते हैं तो जब न्यूटन के तीनों ग्रेविटेशन के लॉज वगैरह आते हैं ठीक है, तो वहाँ से इन चीज़ों को और एक तरीके से स्पष्टीकरण दिया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है उनका, कई बार पूछ लिया उन्होंने। तो यहाँ पे फसल बीमा योजना जो आई थी जनवरी 2016 में है ना, डेट थी 13 जनवरी। देखिए किसी भी प्रकार के भूमि सुधार अगर आप भारत में देखें या कहीं पर भी देखें है ना, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो उस भूमि सुधार कार्यक्रम के क्या क्या अंग हैं ये यहाँ पे बताना है। तो मध्यस्थों की समाप्ति यानी कि जो ये होते हैं ना मीडिएटर्स और कह लीजिए जो दलाल होते हैं एक तरीके से, इनको एक तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोसेस से हटाना, जो काश्तकारी के सुधार हैं और भी टेनेसी रिफॉर्म्स इनको करना, जितने भी हमारे लैंड्स हैं उनको चकबंदी करना है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में भी चकबंदी योजना स्टार्ट की गई थी इसके बारे में हमने आपको बता रखा है। तो क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सारे खेत जो हैं वो एक जगह हो जाए, ऐसे मामले को चकबंदी के रूप में जो है कहा जाता है ठीक। तो उससे क्या होता है कि उसको एक्सेस होता है अपनी फसल जो भी है अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती है ठीक है, और भूमिहीनों को भूमि वितरित करना ठीक है, जिनके पास लैंड्स नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना लैंड बाय द स्टेट। तो ये सब लैंड रिफॉर्म्स के जो हैं कॉम्पोनेंट्स हैं, चारों ही डी ऑप्शन को चुनेंगे। इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले जो हैं इनके बीच स्थित है ठीक है, तो ये दो माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के और इनके बीच में है ये देवसा दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है ठीक है, तो जैसे आप इधर नॉर्दर्न इंडिया के जो राज्य जितने भी हैं माउंटेनियस पासेस जो आप देखते हैं तो इनको यहाँ पे दर्रा बोला जाता है ठीक, और साउथ इंडिया में जो ये इधर वेस्ट में स्थित हैं इनको घाट कहते हैं ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब केरल में पूछा जा रहा है तो ये है आपका केरल में पालघाट ठीक, जैसे बोरघाट थालघाट जैसे महाराष्ट्र में स्थित हैं ठीक है, तो ध्यान रखिए बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा हिमनद रोहतांग दर्रे के पास
पीर पंजाल श्रेणी में सबसे लंबा हिमनद है। ठीक, तो हिमालय में जो पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ते हैं आप, तो उसमें रोहतांग पास के पास आपका ये स्थित है जो लाहौल स्पीति का रीजन है, तो चंद्रा वैली है वहां पे, तो उसमें है सोना पानी ग्लेशियर। ठीक, हाल ही में यून सुक योल है ना, ये व्यक्ति का नाम है, तो किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर है यहाँ साउथ कोरिया के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगले महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो अफ्रीका की कंट्री है टोगो, उसके पूर्व प्रधानमंत्री थे ये गिलबर्ट हैंगाबो है ना, इनको नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन आप बताइए जरा कि ILO की जो एस्टेब्लिशमेंट है किस वर्ष में की गई थी, कॉमेंट करके बताइए। गुजरात का इसमें से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है। ठीक है, तो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं है ना, उनको प्रोसेस करके एक मटेरियल बनाया गया और उससे जो है आपका ये रोड बनाई गई है, तो ये जो है आपका सिटी इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सूरत। ठीक, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं उनके उन्मूलन की दिशा में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस नाम से शुभंकर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को रिमूव करने की दिशा में एक मैस्कॉट लॉन्च किया था, इसका नाम था प्रकृति, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य इसका यही था कि जो है जितने भी भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, ग्रीन इनिशिएटिव कह लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, इसके तो जितने भी इनिशिएटिव हैं इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, इस मैस्कॉट के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इसको डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। हाल ही में किसे एयर इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, तो जो पहले नेशनल एयरलाइन होती थी इंडिया की, एयर इंडिया है ना, तो उसका अधिग्रहण किया था टाटा जो समूह है इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो प्रेसिडेंट या फिर इनको चेयरमैन कहिए, ठीक है, ये अपॉइंट किए गए थे एन चंद्रशेखरन, और जो है मई 2022 में कैंपबेल विल्सन है ना, इनको अपॉइंट किया गया था CEO और MD के रूप में। ठीक, तो ये भी नाम ध्यान रखिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये इस पे अपॉइंट हुए हैं, ये इसमें से दिया ही नहीं है, नन ऑफ देबो हो जाएगा, देवाशीष पांडा नाम है इनका। ठीक है, IAS ऑफिसर हैं ये, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, IRDAI जो है ये है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछते हैं क्योंकि ये वहाँ हैदराबाद में है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा आज के वीडियो में, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो पूछे गए होंगे बताइएगा, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।